Can you hear me loud and clear now? स्किल यार मेरे एंड से तो अब सिग्नल स्ट्रेंथ भी सही है. एवरीबडी इज एवरीवन हैविंग द सेम डिस्टॉर्शन बेटर देन बिफोर. बेटर बेटर नॉट गुड. बेटर मिक्स्ड फीडबैक. ओके चल आई ट्राई टू स्पीक स्लो. इन द मीन टाइम वी वुड सी. आई डोंट नो व्हाट इज द इशू विद द नेटवर्क. जहाँ लगे कि कोई वर्ड स्किप हो रहा है आई वुड रिकमेंड आप फॉर चैट बॉक्स में मुझे बता दें. एंड प्लीज जस्ट ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट. आई डोंट नो नेटवर्क का इशू है या क्या इशू है. मेरे पास से तो यहाँ पर सिग्नल स्ट्रेंथ भी पूरी है और एवरीथिंग इज गुड एट माई एंड. ओके परसेप्शन पे बात कर रहे थे. मैंने आपको बताया कि परसेप्शन पहला टॉपिक है. इसमें अगर फर्दर चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. परसेप्शन होती क्या है, प्रोसेस क्या होता है परसेप्शन का, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं परसेप्शन को, दीज आर द की फैक्टर्स दैट अफेक्ट योर परसेप्शन. परसेप्शन की स्टेजेस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के हवाले से. तीन स्टेजेस हैं, सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन. सेंसेशन परसेप्शन का क्वेश्चन तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सेंसेशन वर्सेस परसेप्शन. परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी पेपर में दो तीन दफा आ चुका है क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो भी आ सकता है. इसके अंदर कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं. देन यू हैव सम परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स एंड परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन इन डीलिंग विद अदर्स. जब आप दूसरों के साथ डील करते हैं तो किस किस्म के एरर्स पैदा होते हैं, किस किस्म के डिस्टॉर्शन आती हैं. ये हमने पांच किस्म के एरर्स को डिस्कस किया था. हेलो इफेक्ट, सेलेक्टिव परसेप्शन, स्टीरियोटाइपिंग, कंट्रास्ट इफेक्ट एंड प्रोजेक्शंस. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जिस पे हमने बात की थी. इट्स रिकॉर्डिंग नाउ. इट्स रिकॉर्डिंग. ठीक है, हो रहा है रिकॉर्डिंग. ओके परसेप्शन के अंदर चार इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन में आते हैं. परसेप्शन के बाद है एटीट्यूड. एटीट्यूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एटीट्यूड के की कंपोनेंट्स. एटीट्यूड की दो टाइप्स, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एटीट्यूड के अंदर ये एक ऐसा एरिया है जो कि पेपर्स में नहीं आया. एटीट्यूड में क्रॉस कल्चरल वेरिएशंस किस किस्म की होती हैं, हाउ दीज वेरिएशंस कैन अफेक्ट द वे पीपल चेंज और डेवलप देयर एटीट्यूड्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. एंड देन एटीट्यूड और बिहेवियर का लिंक क्या है, इसमें थियरी ऑफ रीजन एक्शन मौजूद है. यहाँ से ऑनवर्ड हेडिंग 2.3 से ऑनवर्ड जो कंटेंट है इस चैप्टर का वो अभी तक पेपर में नहीं आया. सो अनटेस्टेड पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है पेपर के हवाले से. बी वेरी क्लियर एंड वेरी केयरफुल. इस तरह के क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करना जो कभी पेपर में नहीं आए. फॉर एग्जाम्पल हाउ टू चेंज एटीट्यूड, थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन क्या कहती है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में कभी नहीं आए. एंड हाउ टू मेक यूज एटीट्यूड, आई एम क्वाइट होपफुल कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा पेपर में. एटीट्यूड से किस किस्म के हम फंक्शनल एरियाज को सर्व करवाते हैं. ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ फंक्शनल एरियाज वी प्रिसाइजली फोकस ऑन, के उससे आप जो एटीट्यूड्स हैं उनको आप शेप करते हैं. तो एटीट्यूड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया. इसके बाद जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब स्ट्रेस. अभी रिसेंटली जॉब सेटिस्फेक्शन पे क्वेश्चन आया था, जॉब स्ट्रेस का क्वेश्चन मार्च में आया था. तो ये वाला जो पोर्शन है ये अभी रिसेंट पास में टच हुआ है. 2018 की दोनों अटेम्प्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन आया है पेपर में. जॉब सेटिस्फेक्शन पे भी आया है, जॉब स्ट्रेस पे भी आया है. और जॉब सेटिस्फेक्शन में तीन चीजें हैं, इंट्रोडक्शन है, आउटकम्स है. आउटकम में स्टेक होल्डर्स के लिए जॉब सेटिस्फेक्शन के में क्या कुछ होता है, एंड देन हाउ टू एनहेंस जॉब सेटिस्फेक्शन, कैसे एनहेंस की जाती है, कौन से फैक्टर हैं जिनसे हम जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ा सकते हैं. फिर जॉब स्ट्रेस के तीनों क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, सिम्टम्स, ट्रिगर्स और कोपिंग स्ट्रेटजीज. मार्च के पेपर में कोपिंग स्ट्रेटजीज आई थी पेपर में. ठीक, तो स्ट्रेस का टॉपिक तो इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपकी अटेम्प्ट के लिए. वैसे भी अब हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है. रिमेंबर यू कैन नॉट टेक एनी चांस और एनी रिस्क टू स्किप एनी पर्टिकुलर चैप्टर और टॉपिक. आपके लिए सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट. परसेप्शन के बाद है सेवन चैप्टर मोटिवेशन का.
मोटिवेशन में तीन इंपॉर्टेंट एरिया से हमने डिबेट की थी. पहला एरिया था हमारा थेरीज ऑफ मोटिवेशन, विच आर क्लासिकल थेरीज ऑफ मोटिवेशन. इसमें दो किस्म की थेरीज हैं, कंटेंट थेरीज और प्रोसेस थेरीज. फिर हमने रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन पर डिस्कशन की थी. रिवॉर्ड सिस्टम कैसे डिवाइड किए जाते हैं, रिवॉर्ड्स किस किस्म के होते हैं, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स क्या होते हैं. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम्स आर देयर. एंड देन वी हैव मॉडर्न थेरीज ऑफ मोटिवेशन. मॉडर्न मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट किस किस्म के होते हैं, किस तरह से हम एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द की इंपॉर्टेंट एरियाज इन विच मोटिवेशन चैप्टर फॉल्स. क्लासिकल थेरीज ऑफ मोटिवेशन के अंदर मोटिवेशन की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. मोटिवेशन क्यों जरूरी है बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू मोटिवेट एम्प्लॉइज. ठीक है, एंड जो मोटिवेटेड एम्प्लॉइज होते हैं उनके लिए इसमें क्या पॉजिटिव होता है इदारे के लिए. कंटेंट थेरीज जो है इसमें मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड थेरी है, हर्ट्ज़बर्ग की टू फैक्टर थेरी है, क्लीवलैंड की इसमें थेरी है. प्रोसेस थेरी के अंदर हमारे पास विक्टर रूम की थेरी है, एक थेरी है. तो ये सारी थेरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है. मैस्लो के ऊपर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करें पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट थेरी हायरार्की ऑफ नीड बाय मैस्लो. दूसरी इंपॉर्टेंट थेरी इसके अंदर विक्टर रूम की है. तीसरी इंपॉर्टेंट थेरी इसमें हर्ट्ज़बर्ग की है. चौथी इंपॉर्टेंट थेरी इसके अंदर मैकक्लेलैंड की है. तो प्रायोरिटी के लिहाज से पेपर के हवाले से ये चारों थेरीज जो हैं वो डिफरेंटली इंपॉर्टेंट हैं और डिफरेंट वेज में पेपर में पूछी जा सकती हैं. इसके बाद जो दूसरा पोर्शन है, अच्छा अगर आपका किसी कंसेप्ट के हवाले से कोई ताल्लुक या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो फिर व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा पूरा ऑन है आपके एग्जाम तक. व्हाट्सएप के ग्रुप को यूज़ कीजिएगा थ्रू आउट द कमिंग मंथ. ठीक है, फरवरी पूरे में कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी है, कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड कंसर्न है तो व्हाट्सएप पे पुट कर दीजिएगा. मैं आई विल बी देयर अवेलेबल देयर टू आंसर. ठीक, रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट की एरिया ये सवाल पेपर में आ चुका है. एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक रिवॉर्ड का डिफरेंस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से. इसमें सारी थ्योरी को हम समराइज कर देते हैं. रिवॉर्ड दो किस्म के होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक. एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड आगे फर्दर दो इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रमोशन एंड रेम्यूनरेशन. इंट्रिंसिक रिवॉर्ड में फीडबैक इंपॉर्टेंट है. तो रिवॉर्ड सिस्टम कैसे मोटिवेट करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है ना, पे एंड प्रमोशन ये दो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स हैं विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. फिर पे के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे इंडिविजुअल्स के लिए होती हैं, ग्रुप्स के लिए होती हैं. परफॉर्मेंस रिलेटेड पे जो हैं कंपनी वाइज होती हैं. बोनसेज एंड परफॉर्मेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट. कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इंट्रिंसिक रिवॉर्ड देता है आपको, इट गिव्स यू एन इंट्रिंसिक रिवॉर्ड. That's also important. Modern theories of motivation के अंदर पांच theories हैं. Goal setting theory है, MBO है, self-efficacy है, law of effect और reinforcement theory है और equity theory. Paper में ये पांचों theories कम से कम एक दफा आ चुकी हैं. Goal setting का process बड़ा important है paper के हवाले से. That's an important question to discuss and to address. इसलिए आपकी special considerations होनी चाहिए. MBO पे question दो दफा आ चुका है. Self-efficacy पे last time आया था September में. Law of effect और reinforcement पे भी आ चुका है. इक्विटी थ्योरी और जस्टिस के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. तो ये भी पोर्शन जो है इंपॉर्टेंट है. इस दफा मेरा ख्याल है कि एग्जामिनर क्लासिकल थ्योरीज को पिक करेगा, उसमें से मैस्लो की थ्योरी इंपॉर्टेंट है पेपर में अपीयरेंस के लिहाज से. सो दीज आर सम ऑफ द की थिंग्स जिसके ऊपर आप प्रिपेयर करेंगे. देन वी हैव लीडरशिप. 8th चैप्टर इज ऑन लीडरशिप. इसमें ये बड़ा स्ट्रेट चैप्टर है. इस चैप्टर में कोई एम्बिग्विटी नहीं है. इस चैप्टर में कोई उस तरह की ढकी छुपी बातें नहीं है. इट्स वेरी क्लियर कट चैप्टर. इसमें पहले हम बात करते हैं लीडरशिप की जो मेन थेरीज हैं, इसमें स्टाइल थेरीज है, जिसमें ट्रेड थेरीज है. फिर हम बात करते हैं कॉन्टिजेंसी थेरीज की, फिर हम बात करते हैं क्वालिटीज के चार मॉडल्स के ऊपर. पांच थेरीज इसमें हैं, छह थेरीज इसमें हैं, तीन इसमें हैं, नौ और चार मॉडल्स हैं क्वालिटीज के. डिफरेंट थेरीज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस होती है लीडरशिप की. इफेक्टिव लीडरशिप कैसे डेवलप की जाती है, इसके डिफरेंट तरीके होते हैं. पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स पे बेस कर सकती है, ये आपकी ट्रेड थेरीज है. सर्कमस्टांसेस पे बेस करती है, ये आपकी कंटिजेंसी थेरीज है. या फिर स्टाइल्स पे बेस करती है, ये स्टाइल या बिहेवियरल थेरीज है. ठीक है, तो डिफरेंटली हम थेरीज को डेवलप करते हैं. ट्रेड थेरीज की ऐसी कि लीडरशिप एक पर्सनल ट्रेड है. सम पर्सनल फीचर्स दैट मेक अ पर्सन अ गुड लीडर. पीपल ईदर हैव दीज क्वालिटीज और दे डोंट. ठीक है, लोगों के पास या ये क्वालिटीज होती है या ये क्वालिटीज नहीं होती. दीज सम ऑफ द ट्रेड्स. ट्रेड थ्योरीज अब डिस्क्रेडिट हो चुकी हैं. लिपिट एंड राइट ने स्कूल चिल्ड्रन के ऊपर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप को टेस्ट किया था और उन्होंने तीन किस्म के स्टाइल्स को थ्योरी में पुट किया था. ब्लैक एंड मुटॉन ने कंसर्न फॉर टास्क और कंसर्न फॉर पीपल की बेस पे
पांच पिटन के स्टाइल्स को बिलीव किया था. इसी तरह टेनबाम एंड श्मिट ने एक कॉन्टीन्यूम डेवलप किया था कि लीडरशिप जो है ये यूनिट ऑफ अथॉरिटी और एरिया ऑफ सबऑर्डिनेट फ्रीडम का मिक्सचर है. और इसमें सात किस्म के स्टाइल्स उन्होंने डिस्कस किए थे. दे टॉक्ड अबाउट सेवन टाइप्स ऑफ स्टाइल्स. ठीक है, इन्होंने सात मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स पे डिबेट किया था. एशेज ने चार किस्म के स्टाइल्स को डिस्कस किया था, टेल, सेल्स, कंसल्ट्स एंड जॉइंस. और एशेज लाइकर्ट ने चार स्टाइल्स से बात की थी, एक्सप्लॉइटिव, अथॉरिटेटिव, बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव, एक्सप्लॉइटेटिव एंड पार्टिसिपेटिव. जस्ट बेयर मी अ मोमेंट. एक्सप्लॉइटिव, अथॉरिटेटिव, बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव, कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव. तो चार किस्म के स्टाइल्स हैं लीडरशिप के. दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फिर तीन थियरीज हैं मेरी परसेप्शन में. फीडलर मॉडल बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. यू माइट बी लुकिंग एट अ क्वेश्चन ऑन फीडलर्स मॉडल इन द एग्जामिनेशन. एट इज बेस्ट शुड बी अनटेस्टेड दैट इन फील्ड इज मोर इम्पॉर्टेंट. तो ये थियरीज हैं इसकी. इसके बाद चार मॉडल्स हैं. चार मॉडल में अडेयर एक्शन सेंटर्ड मॉडल है, वॉरेन बेनी है, जॉन पार है और रोनाल्ड हीफेस है. ठीक है, अडेयर एक्शन सेंटर्ड मॉडल में हमने डिस्कस किया था कि लीडर तीन चीज़ों में एक्सपर्ट होता है, टास्क, टीम एंड इंडिविजुअल. वॉरेन बेनी ने मैनेजर और लीडर्स को डिस्टिंग्विश किया था, जॉन कॉटर ने भी कुछ ऐसा ही किया था, रोनाल्ड हीफेस ने सिक्स प्रिंसिपल बताए थे अडेप्टिव चेंज के. सो दैट वॉज वॉट वी डिस्कस्ड. फिर नाइन्थ चैप्टर में हमने चार एरिया से बात की थी. हमने सबसे पहले इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर को सेपरेट किया था. फिर हमने टीम और टीम रोल्स पे बात की थी. फिर हमने ग्रुप स्ट्रक्चर का मॉडल देखा था. और फिर हमने इफेक्टिव एंड इफेक्टिव टीम पर डिस्कशन की. ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट एरिया है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से. दीज टू आर हाईली इम्पॉर्टेंट एरियाज इन विच देर इज सम कॉन्टेंट. ठीक है, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट डिबेट जो है वो टकमैन का मॉडल पेपर के हवाले से एग्जिस्ट करता है. टेंथ चैप्टर में दो डिस्कशन है, कॉन्फ्लिक्ट है और निगोसिएशन है. कॉन्फ्लिक्ट के पांच को हमने टेंथ चैप्टर को बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कस किया था, आपको याद होगा. मैंने कहा था पांच क्वेश्चन आपने कॉन्फ्लिक्ट के प्रिपेयर करने हैं, पांच क्वेश्चन आपने निगोसिएशन के प्रिपेयर करने हैं. और ये दोनों पेपर में बड़े इंपॉर्टेंट हैं. पहले पेपर में दोनों में से क्वेश्चन आता था. पिछले कुछ अटेम्प्ट से एग्जामिनर या कॉन्फ्लिक्ट में से क्वेश्चन पुट कर रहा है या निगोसिएशन में से क्वेश्चन पुट कर रहा है. पहले दोनों में से क्वेश्चन आता था. ठीक है, बट नाउ द एग्जामिनर हैज फोकस्ड ऑन ईदर वन ऑफ देम. इन दोनों में से किसी ना किसी एक को फोकस करता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिबेट है जिसके ऊपर निगोसिएशन के पांच क्वेश्चन है. उसमें प्रोसेस है निगोसिएशन का, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग के ऊपर डिबेट है छोटी सी. फिर स्किल्स क्या होते हैं इफेक्टिव निगोशिएटर के. फिर उसके बाद हाई रिस्क और लो रिस्क टेक्निक्स, और फिर रोल ऑफ थर्ड पार्टी है निगोशिएशन प्रोसेस में. ऑन कॉन्ट्ररी कॉन्फ्लिक्ट जो होता है के अंदर भी पांच क्वेश्चन है. कॉन्फ्लिक्ट के सोर्सेज हैं इंटर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट के बेनिफिट्स और प्रॉब्लम्स. कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इसके अंदर कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है. ठीक है, थॉमस एंड केलमैन का मॉडल है हाउ टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट. और इसमें कॉन्फ्लिक्ट का प्रोसेस है फाइव स्टेजेस. सो टेंथ चैप्टर भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसके इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है. ठीक है, आप क्वेश्चन तो आते जाते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट में से होगा या निगोशिएशन में से होगा, दैट कैन बी डिस्कस्ड. आई बिलीव इस दफा आपके टर्म में क्वेश्चन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में से आएगा, जो लास्ट टाइम निगोशिएशन में से आया था. 11 चैप्टर पूरे का पूरा प्रिपेयर करना है, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है. इसमें से 15 नंबर ये चैप्टर कॉन्ट्रीब्यूट करता है आपके एग्जाम में. और दिस चैप्टर इज जस्ट अ की टू योर सक्सेस. इफ यू आर गोइंग टू सैक्रिफाइस दिस चैप्टर, you will lose a great deal of some good exam scores. अगर आप इस चैप्टर को सेक्रीफाइस करेंगे तो यू माइट लूज
ठीक है। इस चैप्टर में आपने इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट की डिबेट में नहीं जाना, वो इसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हाईलाइट किए हैं, लेकिन उनको सेपरेट रखते हुए उस अनइम्पॉर्टेंट इंपॉर्टेंट की डिस्कशन को साइड वे करते हुए आपने इसके ऊपर मेहनत करनी है। ठीक है, अगर आप इसको इफेक्टिव लेके चलना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो बी वेरी केयरफुल एंड वेरी क्लियरली आप इसमें इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट की जो बहस है उससे बाहर रहेंगे और आप इसे थॉरली प्रिपेयर करेंगे पूरे के पूरे चैप्टर को। ठीक है, यू विल प्रिपेयर इट क्वाइट थॉरली। ओके, सो ये एक क्विक डिबेट है हमारी। दो रिवीजन की वीडियो अभी रहती है प्ले होने वाली, लेट मी आस्क जाहिद कि उनको प्ले कर दे आपके लिए। बाकी हम व्हाट्सएप पे तो डेफिनेटली एक्टिव ही रहेंगे, तो यू हैव टू बी स्टे कनेक्टेड। जाहिद उधर प्ले कर, यू हैव टू बी स्टे कनेक्टेड विद मी। ठीक है, पूरा फरवरी का महीना है, दैट मंथ दिस मंथ काउंट्स अ लॉट। ठीक है, ये महीना जो है वो बहुत काउंट करता है। सो आप लोगों ने इस महीने में कुछ स्पेशल एफर्ट्स करनी है, कुछ स्पेशल इनपुट देनी है, ताकि आप इस सब मतलब मुझे जितने लोग रेगुलर मिले हैं कम से कम इस क्लास में, जो कि रोज़ आते रहे हैं लाइव सेशन में, कम से कम मुझे ये लोग तो ज़रूर सारे के सारे इस सब्जेक्ट में कलर्स से पास होने चाहिए। ठीक है ना, ऑल ऑफ यू शुड पास दिस पेपर यू नो विद कंप्लीट रिगर। वैसे तो क्लास की स्ट्रेंथ हमारी काफ़ी ज़्यादा थी, वी हैड लाइक मोर देन 30 स्टूडेंट्स एनरोल्ड, बट आई नेवर हैव मोर देन 10, शुरू 15-15 तक भी स्टूडेंट्स आए हैं। उसके बाद फिर एंड पे बच्चे आप लोग रह गए थे जिन्होंने एंड तक हर लेक्चर को सुना है, लाइव सेशन आपने अटेंड किए, बिकॉज यू हैव एक्चुअली मेड इट काउंट, यू हैव एक्चुअली यू हैव पेड फॉर दैट, यू हैव पेड एम्पल अमाउंट फॉर दैट। तो बिकॉज अगर आपने सर्विसेज के लिए पे किया तो इट वॉज योर राइट दैट कि आप लोगों ने एंड तक सेशन को अटेंड किया है। तो देखना, ये तो ऐसे ही है कि कस्टमर जाए किसी शॉप पे कोई प्रोडक्ट लेने, पैसे दिया है प्रोडक्ट न लेगी, उस कस्टमर को आप क्या कहेंगे, बेवकूफ़ी कहेंगे ना। कस्टमर एंटर द शॉप, पेज फॉर अ प्रोडक्ट एंड जस्ट वॉक्स आउट विदाउट परचेजिंग और विदाउट टेकिंग द प्रोडक्ट। तो आप उन कस्टमर्स में से हैं जो समझदार हैं, यू पीपल आर मैच्योर एंड सेंसिबल इनफ दैट इफ यू हैव पेड यू आल्सो हैव टू गेट द प्रोडक्ट। डिस्कशन लाइव सेशन में होती है, वो रिकॉर्डिंग से फिर समझ नहीं भी आती, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लाइव सेशन में ज़्यादा क्लियरली खुल के सामने आती हैं। And there are some debates and some discussions which might not be very evident or very clear in the recorded sessions. So make it count, make worth out of it. So बाकी रही बात आपकी assistance की, tests के सारे solutions LMS से uploaded हैं, tests सारे uploaded हैं, वहाँ से भी आप अच्छा कंटेंट निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए हैं, मेक श्योर कि आपके LMS के ऊपर भी अपलोड हो जाए, वहाँ से भी आप कंटेंट ले सकते हैं। तो डू वट एवर यू नीड टू डू, टेक वट एवर इट टेक्स, बट डू पास द पेपर। मेरी उसमें असिस्टेंस आपके साथ रहेगी, आई विल डेफिनेटली बी देयर फॉर यू, आई विल बी डेफिनेटली सपोर्टिंग यू, जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा मैं सपोर्ट करूंगा। ज़ाहिद विल प्ले द लास्ट टू रिवीजन वीडियोस फॉर यू, डू जैसे भी आप इसको अपने पास सेव करने की कोशिश करते हैं, डू इट सो दैट यू कैन हैव सम थिंग टू रेफर टू। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस, काफी मेहनत हुई है, सो आई वुड रिकमेंड यू टू ये आप जरूर देखा करें। यस यस, माय फेवरेट दुआएं तो बच्चों के साथ होती हैं, आप सब मेरे बच्चों की तरह ही हैं, अपने भी दो बच्चे हैं, मेरे अपने बच्चों की तरह स्टूडेंट वैसे भी बच्चा ही होता है, तो बच्चों के लिए तो डेफिनेटली दुआएं होती हैं, सबके लिए होती हैं, सबको अल्लाह ताला कामयाब करे। ठीक है, सो यू कैन जस्ट वॉच दीज रिवीजन वीडियोस, आई विल बी क्विटिंग, तो इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे फिर आता रहेगा आप सबसे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।
Welcome TAC students to the subject Business Management and Behavioral Studies. In this video, we shall discuss our topic Individual Behavior and Motivation. Individual behavior and motivation constitute 20% of ICAP syllabus grid. In this video, we shall discuss content and process theory and motivation. In content theory, we shall discuss 1. Maslow's hierarchy of needs theory. 2. Herzberg of motivation hygiene theory. 3. Room acceptance theory. Before discussing theories, firstly let's discuss motivation. Motivation describes the reasons one has for acting or behaving in a particular way. This, in turn, impacts the general desire or willingness of someone to do something. Now, and everything else that we need to stay alive. Then we have safety or security, which is job security and interact with other people and to be part of the group. Then we have a team, which is a need for the esteem of other people and to feel good about one's own value or importance. Lastly, self-actualization need is the need to achieve something worthwhile in life, but there are some limitations to the hierarchy of needs. The main problem is the assumption that needs are the same for all people and can be satisfied by everyone in the same way. Individuals have different needs, and they are not necessarily in the same order suggested by Maslow. Many individuals may seek to satisfy several different needs at the same time. The same need may also cause different reactions and responses from different individuals. Additionally, Maslow does not show any link between self-fulfillment and improved organizational performance. It is vague about the nature of self-actualization or self-fulfillment needs, and does not explain the strength of motivation, nor the effect on the motivation of people's perceptions. The theory fails to recognize that self-actualization is not always possible. Now, let's move forward to Herzberg and Motivation Hygiene Theory. Herzberg identified two groups or categories of factors called hygiene factors, which are factors company policy, relationship with the boss and colleagues, working conditions, motivation.